किधर? कहाँ है मेरे बेटा? कहाँ है? ना तो वो दे चिड़ला कि किधर है? देवर जी, बेटा जंगल यहाँ नहीं, यहाँ से 360 कोसी की दूरी पर है, जहाँ एक किला कर्नाटक राज है, वहाँ की राजा चंदामल सिंह, वहाँ की दो लड़का भैंस आसी घासी, एक लाडली बहन राजकुमारी चंदा। गाल बजाती है शहर कर्नाटक बस्ती में राजा चंदामल सिंह, महाराजा भैसव सिंह जात की छत्री है, लेकिन राज महप्पा में नट्टी ना आई थी। देवर जी, ए राजकुमारी चंदा रंडी बेशर्मी बहया लड़की, एक छत्री को बेटी होकर नट्टी बनकर शहर मोहब्बा आई थी, बेटा जंगलिया को सूगा बनाकर मोहब्बा सी नटवर ले गई है। छात्री होते हुए नट्टी को भेष रूप धारण करके मेरे महप्पा में प्रवेश किया। हाँ देवर जी, कहाँ चल दिए? ओ हरमजादी चंदा से मिलने के लिए। आपको बस की बात नहीं है क्या कि वहाँ है जादू की लड़ाई? इसको जवानी में आग नहीं लगा दिया देवर जी, जवानी का अधिकार है, क्योंकि जय श्री नट्टी बनकर ए रंडी बेशर्मी बहाया लड़की मोहब्बा आई थी, बेटा जंगलिया को चोरी करके मोहब्बा सी नटवर ले गई है। देवर जी, या रहा आप नट बन जाइए, मैं नट्टीन बन जाऊंगी, उसके बाद यहाँ से नटवर पे चढ़ाई करना है। कारण मैं जात की नटवन हूँ? हाँ देवर जी, मैं नटवन हूँ और तुम नटिन बनेगी? हाँ देवर जी। हाय रे मेरे भाई, लेकिन दोस्तों ब्लॉक निवासी श्रीमान शंकर जी उदल रोल देखते हुए 11 रुपया से कदर करते हैं, मेरी कंपनी लाख लाख हार्दिक अभिनंदन करती है। नैना वाली, देवर जी जब तुमने अपने मुख से बोल गई देवर जी आप नट बने और मैं नटीन बनूंगी, फिर बेटा जंगलिया मिल सकता है। हाँ देवर जी, देर मत कीजिए, जल्द से यहां से चलिए। मनु शत्रुपा 18,000 वर्ष एक पांव पर भगवान की भजन करने लगा खड़े होकर, धरती डोल गई अंबर डोल गया, विष्णु भगवान ब्राह्मण रूप धारण करके ऋषिनाथ के आगे खड़े हो गए। हे ऋषिनाथ, मांगो क्या वरदान मांगो? एक पांव पर खड़ा होकर भजन करने वाले मनुष्य क्या नहीं पहचानेंगे? पहचान गए, स्वयं विष्णु भगवान है ब्राह्मण है। ऋषिराज ने कहा मनी बिन फनी सिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अभिना। हे प्रभु, नाग की मस्तक पर मणि होती है, मणि खो जाने से नाग बेचारा तरफ के मर जाएगा। मीना मछली पानी से निकलने की बात तरफ के मर जाएगी। मम जीवन तिमी तुम ही अधीना, मेरा जिंदगी प्रभु आपकी अधीना, आप मुझे हमेशा दर्शन देते रहे। विष्णु भगवान ने कहा हे ऋषिराज, मुझे तो संसार को देखना है,
आप ही नजर के सामने रहेंगे, संसार को क्या हाल होगा, कोई और वरदान मांगो। देवर जी सट्ठा ऋषिराज विष्णु भगवान से कहा, अगर ये वरदान आप नहीं दे सकते हैं तो आप ही ऐसा सकल, आप ही ऐसा बल, आप ही ऐसा विद्वान, आप ही ऐसा सकल को एक बेटा मुझे होता तो मैं समझते जो घर में मेरे नारायण आ चुके। विष्णु भगवान ने कहा, हे ऋषिराज, विष्णु अवतार में नहीं, राम अवतार में आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ बनेंगे और मैं आपका बेटा राम बन गया। जंगलिया को मैं भविष्य ढूंढ कर ले आऊंगी, से बेटा के यही करण में आ गई सोन आ गई बन बैठा यही ना।